भाइयों बहनों, जैसे कि दोनों टीम एक तरफ सीएसके दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस ने जो काफी फॉर्म में लग रहे हैं, तो देखिए इधर देखते हैं, आहा बहुत फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ऐसा खिला के रखे और ये पर चाहिए दो बॉल पे 10 रन, तो देखते हैं मार पाते हैं महेंद्र सिंह धोनी की नहीं। उधर भाइयों बहनों, जैसे कि दोनों टीम एक तरफ सीएसके दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस जो सेमीफाइनल खेल के फाइनल में पहुंच गए हैं, तो आज दोनों टीम बहुत जोश में है और हॉट करवा देंगे। तो देखिए दोनों टीम सामने जो काफी फॉर्म में लग रहे हैं, तो देखिए इधर तो देखते हैं, आहा बहुत फॉर्म में नजर आ रहे हैं, सीएसके वर्सेस मुंबई, एक तरफ मुंबई की कैप्टन एक तरफ चेन्नई सुपर किंग, तो दोनों कैप्टन को सामने बुलाया था, आइए बहुत फॉर्म में नजर आ रहे हैं, आते माते छक्का मार दिया है महेंद्र सिंह धोनी, तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा। देखिए सिक्का उछल रहा है, तो रोहित शर्मा बोलेंगे, बोलिएगा हेड। हाँ तो देखिए यहाँ पे हेड आ गया है, मुंबई इंडियंस टॉस जीत गए हैं, काची लीजिएगा बेटी, बैटिंग लीजिएगा, हाँ बहुत फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो देखिए रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, टीम डेविड और प्रचार, बात को पकड़िएगा, तो अपने अपने फील्डिंग को सजाइए। तो देखिए हाई स्कोरिंग मैच है, 5 ओवर की जो मैच है यहाँ पे हाई स्कोर बनेगी, जो एक तरफ चेन्नई के सुपर जो पिछले मैच जीते थी 179 रन बना दिए थे, जो अच्छे फॉर्म में चल रहे थे डैम कॉनवे और ऋतुराज के कवार, जो दोनों के यार शतक लगे थे, तो आज देखिए मैच लगातार बने रहिए हमारे टीम के साथ। तो आइए पहले गेंद को लेकर आ रहे दीपक चहर, जो बैट्समैन काफी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, रोहित शर्मा बात को पकड़िएगा, रोहित शर्मा तैयार है, और इधर से दीपक चहर का ये पहली गेंद और ये नो बॉल का इशारा, इंपायर को देखिए नो बॉल दे रहा है, तो फिर हिट यहाँ, तो देखिए यहाँ पे नो बॉल मिला था, अब फिर हिट है, अब ये गेंद पे बड़ा हिट रहेगा, आ रहे हैं दीपक चहर दूसरे गेंद लेकर, पहले गेंद तो नो बॉल थी, यानी कि एक भी गेंद नहीं हुई है, एक रन, दूसरी बॉल लेके आ रहे हैं दीपक चहर रोहित शर्मा के लिए, और ये तो बल्ला पहले चला रहे हैं, ये देखिए खेलने का स्टार्ट ही है इसका, ये और से स्विंग कराती है बॉल को, और ये देखिए बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं, आज देखना होगा रोहित शर्मा का ये यार अच्छी शॉट यहाँ पे फील्डर भी उससे चला जाए, और ये रन लेने के लिए पहुंचे, और यहाँ पे रन आउट का, यहाँ पे रन आउट का चांस हो सकता था, यहाँ पर बहुत फॉर्म में नजर आ रहे हैं प्लेयर, अगर आउट होगा तो आउट तो मिलेगा बाद में, बात तो पकड़िएगा, आज देखना होगा फिर से रिप्ले अब यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग को 5 ओवर में 60 रन की लक्ष्य बनाने पड़ेगी, तो ओपनिंग के लिए आ रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ और डेरम कॉनवे, आइए अब देखना होगा कि दोनों काफी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और आज देखना होगा कि आज की मैच जो किस गति से गुजरेगी, यहाँ पे कपिल शर्मा मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बॉलिंग के लिए आ रहे हैं जोफ्रा आर्चर, जो काफी फॉर्म में है और पैसा खिला के रखे हैं टीम से, सुर्खियां बटोरे हैं अभी तक, और ये अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़, जो पहली गेंद पे चौका दिखाए यहाँ पे शायद ही, और यहाँ पे एक और चौका मिलेगा, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे गायकवाड़, जो यहाँ पे जोफ्रा आर्चर जो अच्छी अपनी लेंथ जो गेंदबाजी थी वो अपनी भूल गई है, और ये गिली थी बॉल पे, और दोनों फील्डर की बीच से निकली थी, वहाँ पे गैप देखे थे 3 मीटर की थी, जो अच्छी कम गैप थी वहाँ पे, बाजी हो रही है, अब देखना होगा कि इस पहली ओवर की चौथी गेंद पे क्या होती है, और ये बॉल अच्छी थी, और यहाँ पे अगर ये खिलाड़ी अगर जगह से खेलती तो शायद बाउंसर मिल सकता था, लेकिन कोई फायदा, और यहाँ पे आखिरी बॉल बची है इस ओवर की, लगता है भात नहीं खाई है, रोटी खा के आया होगा, कोई बात नहीं, भात खाइए रोटी खाइए, लेकिन गेम को बनाए रखिए, जो दर्शकों का की इंतजार है, और ये बॉल ग्राउंड द ग्राउंड सिक्स, व्हाट इज द सिक्स, जो काफी अच्छी इस ओवर में 14 रन आ गए हैं, आ गया डैम कौन पे,
यहाँ पे आप देखना होगा पीयूष चोले की पहली गेंद और ये देखना होगा और यहाँ पे गेंद को धकेला है आसान गति से, यहाँ पे रन आउट का चांस लेकिन कोई फायदा नहीं। ओवर की दूसरी गेंद और यहाँ पे ये देखना होगा कि और आउट आउट होगा, बहुत गंभीर मामला है। आउट हो गए यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ जो अच्छी फॉर्म में नजर आ रही थी, मात्र 6 गेंदों पे 20 रन बनाए और यहाँ पे अब जाना होगा। हाँ तो अभी स्ट्राइक के लिए अभी महेंद्र सिंह धोनी आ रहे हैं और ये इधर शोर शराबा देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना शोर शराबा हो रहा है। महेंद्र सिंह धोनी आ जा चुके हैं और यहाँ पर चाहिए 2 बॉल पे 10 रन, तो देखते हैं मार पाते हैं महेंद्र सिंह धोनी की नहीं। उधर पर है जोफ्रा चार, तो अभी यहाँ पर जोफ्रा चार बॉलिंग डाल रहे हैं और ये पहले ही ओवर बीट। अब तो देखते हैं 9 बॉल होगा या नहीं, पता नहीं। अब जोफ्रा चार, अब देखते हैं अगला बॉल 9 बॉल होगा या यहाँ पर ही थी और ये 9 बॉल और यहाँ पर छक्का लग गया है। देख जोफ्रा चार ने ये रिव्यू का मांग किया है, तो देखते हैं रिव्यू अभी। हाँ तो यहाँ पर लगता है 9 बॉल है यहाँ पर और छक्का भी जा चुका है, तो यहाँ पर 1 बॉल पे 3 रन चाहिए। देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी मार पाते हैं या नहीं। अब जोफ्रा चार यहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर जोफ्रा चार ने फेंका बॉल को और ये लगा के छक्का और महेंद्र सिंह धोनी और यहाँ पर दर्शकों की मांग देखो और महेंद्र सिंह धोनी ने जीत लिया है इस बार का आईपीएल ट्रॉफी। हाँ तो भाई लोग, आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हिला के लाख सब्सक्राइब कर दे ताकि वायरल हो जाए वीडियो और कमेंट भी कीजिएगा, भूलिएगा नहीं।